गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं अभी बैठा हुआ हूँ गाड़ी में और यहाँ से अब हम आए हुए हैं इस ढाबे में। एक काम करता हूँ, गाड़ी से उतरता हूँ ज़रा, उसके बाद वीडियो शूट करते हैं। ये मैं गाड़ी से उतर गया हूँ अभी। ये आप सामने देख सकते हैं पहलवान ढाबा, और हम आए हुए हैं आज मुरथल में, सोनीपत में, नाश्ता वाश्ता करने के लिए। मेरे फ़िलहाल विचार है कि मैंने सारे ढाबों को ना लाइन से कवर कर लेना है। बाहर बैठने का भी अरेंजमेंट है ओपन में, ये है अंदर सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे एसी लगा हुआ है, बाहर उतना एसी नहीं है, खुले में तो ओपन में कैसे एसी लगाएंगे। ये मेरी वाइफ है सोनिया, हम दोनों साथ में आए हुए हैं कुछ खाना पीना पेट पूजा करने। अभी वही है प्रेगनेंसी का, ऊपर वाले के एहसान से 7 मंथ हमारा चल रहा है, तो हम ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स तो हम नहीं जा सकते हैं, बट ये जो करीब होते हैं आसपास कहीं रेस्टोरेंट्स या कहीं कैफ़े वगैरह, तो ऐसी जगह हम ज़रूर अभी जाने लगे हैं ताकि एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें और थोड़ी मौज मस्ती हो जाए। ये देखें आप, मेन्यू कार्ड है सिंधु पहलवान ढाबा। ये सूप्स वगैरह हैं, टोमेटो सूप 99 रुपीज़ का, वेजिटेबल सूप 110 एंड सो ऑन। मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे वीडियो आराम से पॉज करके डिशेस देख लें क्या कुछ है। अब मुरथल की खासियत तो है पराठे, हालांकि मेरे से तो खैर झूठ नहीं बोला जाएगा, पिछले 3-4 ढाबे मैंने खा लिए यहाँ पे। अमरीक सुखदेव के पराठे वहाँ के शायद ज़्यादा अच्छे होते हैं, वहाँ मैंने पराठा नहीं खाया था, वहाँ कुछ और खाया था, उसका वीडियो मैंने डाला है चैनल पे। इसके अलावा मन्नत का एक खाया है, एक ही दूसरा पहलवान ढाबे पे खाए हैं। तो पराठे अब मुझे ऐसा लगता है सिर्फ नाम ही रह गया मुरथलों का। ये मेरी अपनी राय है भाई, दूसरों को अच्छा लग सकता है। ये मैंने आलू प्याज का पराठा मंगाया था, वो मेरी वाइफ है, हम स्पेशली पराठे खाने आए हुए हैं, तो इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।